तो दोस्तों, हाल ही में टाटा पंच ईवी का फिर से सेफ्टी क्रैश टेस्ट हुआ है और ये सेफ्टी क्रैश टेस्ट किया है भारत एनकैप ने, यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि भारत का अपना प्रोग्राम है। ये एक गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम है जो कि भारत में बिकने वाली नई गाड़ियों की सेफ्टी चेक करता है। ये प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले भारत की गाड़ियों का सेफ्टी टेस्ट ग्लोबल एनकैप द्वारा किया जाता था, जो कि यूके देश का एक जीरो फाउंडेशन चैरिटी प्रोग्राम है। इससे पहले भी टाटा पंच ईवी का सेफ्टी क्रैश टेस्ट हुआ था, जिसमें टाटा पंच ईवी ने अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों में ही 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की थी। और अभी भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग टेस्ट में भी टाटा पंच ईवी ने दोनों ही अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की। तो यहाँ भी टाटा पंच ने 5 out of 5 स्टार प्राप्त किए। 5 स्टार मिलने का मतलब है कि टाटा पंच ईवी जो है काफ़ी सेफ गाड़ी है। वो टाटा पंच क्या, टाटा की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ सेफ है, क्योंकि एक टाटा टियागो को छोड़कर आई थिंक सभी गाड़ियों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। टाटा टियागो को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और ये भी एक अच्छी रेटिंग है। 4 और 5-स्टार रेटिंग एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है।